हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपूत सरफराज और आप देख रहे हैं शिफ्ट टैक। तो दोस्तों कैसे हैं, आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन के बारे में। बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल का नेम सब्सक्राइब बटन कैसे बनाएं। तो एक एक चीज़ में आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों नेम सब्सक्राइब बटन बनाने के लिए हमें जाना होगा पहले पिक्सल लैब में, और पिक्सल लैब में जाने के बाद हमें इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आ रहा है लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको शेप देनी है, वाइट कलर का यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा, इसको हमें सेट कर लेना है ऐसे। और यहाँ पर इसको हम क्रॉप करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना इस शेप में, इस शेप में क्रॉप करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर हम इसको स्ट्रोक करते हैं तो इसमें कलर आ जाएगा, कोई भी कलर हम ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी आए वो कर सकते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह, जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। अब इसको यहाँ से हमें सेव कर लेना है, ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे, अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे, सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे। ये था दोस्तों पिक्सल लैब का काम। अब हमें जाना होगा काइन मास्टर में, काइन मास्टर ओपन करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जैसे ही काइन मास्टर ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करने के बाद हमें बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी वाइट सेलेक्ट कर लीजिए, और इसका कलर हमें चेंज करना होगा ग्रीन में, हमें ग्रीन कर लेना है इसको। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह, जितना इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लेयर में जो हमने पिक्सल लैब से बनाया था उसको ले लेना है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरह कुछ ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी आपके चैनल का नेम है या कोई भी आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह आप पिक्सल लैब से इसको बना सकते हैं, वहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने ये ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो कैसे आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका नेम लिखना है, मैं नेम लिख देता हूँ। और इसको हमें कलर चेंज करना है, यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद हमें जो भी कलर रखना है वो रख देंगे। और यहाँ पर इसको फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर देंगे, ये देखिए दोस्तों। और जितना बड़ा हमें इसको रखना है वो रख सकते हैं, ये देखिए जितना मर्जी आप चाहें वो कर सकते हैं। अब सब्सक्राइब बटन आपको
डाउनलोड करना होगा, वो आपको यूट्यूब से ही मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। सब्सक्राइब बटन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर हम इसको क्रोमा की आप जो देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देना है। ये यहाँ से इसका चला जाएगा कुछ इस तरह चलेगा। इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं कहीं पे भी जहाँ आप चाहे इसको। ये देखिए दोस्तों, इस तरह आप बिल्कुल बराबर कर सकते हैं सब। इस पर क्लिक करेंगे, राइट कट कर देंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इसी तरह सबको बराबर कर देना है। ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट प्ले हेड, अब ये बराबर सब चलेगा इसमें। देखिए इसका हमें ऑडियो ऑफ करना होगा, ये देख रहे हैं दोस्तों आप। इसका यहाँ पर ऑडियो में जाएंगे, इसको 100% से 0 पे ले आएंगे। अब आप इसको बिल्कुल करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। सेव करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और फुल HD में यहाँ पर इनको इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों इसको मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो यही थी आज की वीडियो। तो देखा दोस्तों आपने कैसे आप सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं अपने चैनल के नेम का या अपने नेम का। तो हमने उसमें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर क्यों लगाया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोमा की जब हम काइन मास्टर में क्रोमा की लगाएंगे तो पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हट जाएगा, और अगर कोई और कलर लगाते हैं तो वो नहीं हटता, इसलिए हमने ग्रीन कलर लगाया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।